हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली एक बहुत ही सुंदर जोड़ा हेयर स्टाइल, जिसे आप किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए बना सकते हैं। इस जोड़े को आप साड़ी के साथ भी अच्छे से कैरी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बालों में अच्छे से कॉम करके एक पोनीटेल बना लेना। पोनीटेल हमें सेंटर में बनाना है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। उसके बाद हमें लेना है एक डोनेट, तो मैं यहाँ नेट का डोनेट ले रही हूँ। डोनेट को लेके पोनीटेल के अंदर कुछ इस तरह से डाल देना है। उसके बाद उसे चारों तरफ से यूपिन के साथ बालों को लेते हुए चारों तरफ से इसे टक कर देना है, ताकि हमारा जो डोनेट है वो इधर उधर हिले नहीं। देन पोनीटेल के बालों में अच्छे से कॉम करना है, और कॉम करने के बाद ऊपर की तरफ से एक पतली लेयर लेनी है, जैसे मैं यहाँ वीडियो में दिखा रही हूँ। फिंगर केल से एक पतली लेयर लेनी है, उसके बाद उसे अच्छे से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद हमें डोनेट के ऊपर ले आके बालों के साथ और डोनेट के साथ यूपिन से अच्छे से सिक्योर कर देना है। इस तरह हमें पूरे पोनीटेल के बालों को ट्विस्ट करके डोनेट के चारों तरफ लगाना है। बस मिडिल में थोड़ा सा हमें बालों का सेक्शन छोड़ना है पोनीटेल के, बाकी सारे बालों को हमें ट्विस्ट करके इसी तरह लगाना है। इस तरह हमें पोनीटेल के बालों का दूसरा सेक्शन लेना है, एक पतला लेयर लेना है, उसको अच्छे से ट्विस्ट करना है और डोनेट के ऊपर ले जाके बालों के साथ यूपिन से अच्छे से सिक्योर कर देना है। इसी तरह हमें पूरे बालों में करना है। इस तरह हमें बालों के पतले पतले लेयर लेना है, ताकि पोनीटेल के मिडिल पार्ट का एक पतला लेयर बच जाए। तो हमें मिडिल पार्ट का एक पतला लेयर लेके उसको ऊपर पिन से कुछ इस तरह से रख देना है, ताकि इसमें बाद में कुछ बनाएंगे। तो इस तरह हमें ट्विस्ट करके चारों तरफ लगा देना है डोनेट के, जैसे मैं यहाँ वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद जो हमने मिडिल पार्ट में ये पतला लेयर छोड़ा है उसको लेना है, उसको अच्छे से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद फिंगर की हेल्प से ऐसे कुछ इस तरह से रोल करना है, जैसे मैं यहाँ वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से रोल करने के बाद इसे यू पिन से अच्छे से सिक्योर कर देना है। उसके बाद मिडिल में कोई भी जूड़ा पिन लगा देना है। मैंने एक यहाँ छोटा सा रोज लगाया है। उसके बाद जो हमने ट्विस्ट किया है उस बालों के जो एंड्स बचे हैं उनको टू पार्ट में डिवाइड करना है, और दोनों पार्ट को अच्छे से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद इस जूड़े के चारों तरफ कुछ इस तरह से रैप कर देना है।
क्रॉस करते हुए रैप करने के बाद इसे यू पिन से अच्छे से सिक्योर कर देना है। बालों को अच्छे से सिक्योर करने के बाद रेडी हो गया ये हमारा जूड़ा। तो इसे आप ऐसे ही रख सकते हैं, ये ऐसे भी काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। अगर आप इसे चाहें तो गजरे से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक आर्टिफिशियल गजरा है, मैं उससे इस जूड़े में लगा रही हूँ और लगाने के बाद इसका लुक और भी अच्छा लगने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि ये गजरा लगाने के बाद कैसा लग रहा है। तो आपको जैसा भी पसंद हो आप इसे अपने तरीके से बना सकते हैं। ये बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है और बनाना भी काफ़ी इजी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।